राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से चार राज्यों के नतीजे कल सामने आ रहे हैं। मिजोरम को एक दिन आगे कर दिया गया है, लेकिन चार राज्यों में ही बहुजन समाज के लोगों की और हिंदी पट्टी के राज्यों की काफी ज्यादा दिलचस्पी है, जिसमें तेलंगाना बीएसपी के लिए काफी इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट दे सकता है। ऐसी बीएसपी और बहुजन समाज के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बहुजन समाज पार्टी और बहुजन राजनीति हमेशा से पैर है वो जमाती नजर आई है। हम बात आज तेलंगाना की करेंगे, क्या तेलंगाना के अंदर कल आरएस प्रवीण कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी कोई खास करिश्मा कर पाएगी, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं पूरी आपको जानकारी दे देता हूं कि बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में कोई नई पार्टी नहीं है। इससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी यहां पर एक अच्छी खासी ताकत है वो रह चुकी है। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी तेलंगाना में 2 सीट पर जीतकर भी आई थी। 2018 के जब चुनाव हुए तो बहुजन समाज पार्टी 3 सीटों के ऊपर दूसरे नंबर पर भी रही थी। 2018 के परिणाम अगर मैं आपको बताऊं तो बहुजन समाज पार्टी 119 सीटों में से 106 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ी। इस बार बीएसपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उस समय यानी 2018 में 3 सीटों के ऊपर बीएसपी नंबर दूसरे पर रही थी। दूसरे नंबर पर उन्हीं के जो प्रत्याशी है वो टक्कर दे रहे थे। बीजेपी कांग्रेस यहां पर नजर ही नहीं आई थी, डायरेक्ट बीआरएस और बसपा के बीच में ही टक्कर थी। तो ये 3 सीटें काफी मजबूत मानी जाती रही है। कुल वोट उस समय बहुजन समाज पार्टी को जो यहां पर मिला था वो 4,26,203 है, और जो प्रतिशत है वोटों का मिलने वाला का वो पूरे टोटल प्रतिशत में 2.06% बीएसपी को वोट मिला था। यानी कि तेलंगाना में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 2.06% वोट मिला था, और 3 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी आपको बता दें कि दूसरे नंबर पर रही, और चार टोटल उनके नंबर रहे थे जिनके अंदर उन्होंने अपनी जमानत बचाई थी। तो यानी कि बीएसपी का अच्छा खासा जनाधार कुछ सीटों के ऊपर माना जाता रहा है। और जो सीट सिरपुर से इस वक्त आरएस प्रवीण कुमार लड़ रहे हैं उस सीट पहले बीएसपी जीत चुकी है। वहां के लोग हाथी के चुनाव चिन्ह को अच्छी तरीके से पहचानते हैं। कल आपको बता दें कि आरएस प्रवीण कुमार की भी और बीएसपी के जो पदाधिकारी नेता पदाधिकारी हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा आप एक तरीके से देखने की कोशिश करें तो दिलचस्पी बढ़ी हुई है। बीएसपी में ज़्यादा जो रिजल्ट है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो वोट प्रतिशत उसमें कितना इंक्रीज होगा, सीटें कितनी आती है ये तो सबको देखने की दिलचस्पी है, लेकिन वोट प्रतिशत में आरएस प्रवीण कुमार कितना इजाफा कर पाते हैं, क्योंकि 2% वोट है बीएसपी को पहले जब वो एक साधारण तरीके से लड़ती थी बिना कोई ज्यादा किए तो उसके बावजूद मिल रहा था। तो अब आरएस प्रवीण कुमार के आने के बाद पार्टी को यहां पर कितना प्रतिशत वोट मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि कुछ सीटों के ऊपर बीएसपी काफी ज्यादा मजबूत है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अपडेटों के साथ, लेकिन कल सुबह 8 बजे से ही नतीजे बहुजन राजनीति के लिए, चाहे वो चंद्रशेखर की पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे फिर आरएलपी हो, जैसी सही पार्टी जो आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी सही तीसरा मोर्चा जो है उसके परिणाम सटीक तरीके से आप तक पहुंचा दे।